थोड़ा साइड होना है भैया, थोड़ा साइड हो क्या? बी वेल, इसको बी वेल बोलते हैं, यानी कि आपके हेड जो इंसान का क्या है कि चेहरा सबसे सेंसिटिव है, तो किसी को दिक्कत वगैरह नहीं है। पहले पूरा काट देना, ये हो गया थोड़ा दूर से देख लेते हो पादों का, ठीक है। ये जो है ये इसका फीडर है, फीडर जिसे ये सीजन क्या है कि अभी है नर्वस, तो क्या है कि मुझे आज आपको पता नहीं था हाफ बाजू शर्ट पहने हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए पूरी बॉडी को, जिसको दिक्कत हो कवर कर सकते हैं अगर आप इसके साथ काम करोगे, लेकिन आप भी वेल तो कम से कम लगाना ही चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम साफ नहीं बनाते, हमारे पास मान लो 70 कॉलोनी है, तो 70 किलो पानी लेंगे, 70 किलो पीने लेंगे, 1:1 रेशियो की साफ नहीं बनाते हैं। गर्म करने की जरूरत नहीं है, साफ पानी है तो साफ पानी नहीं है तो गर्म करें, चीनी घुल जाए ठंडी हो जाए उसके बाद में इस फिल्टर की कैपेसिटी में साफ को अंदर एक में डाल देंगे, जिसे अभी बाहर कोई भोजन नहीं है, साफ सुंदर डाल दें, साफ खत्म कर दें, 7 दिन बाद फिर आप इस टाइम आप उन मक्खियों को एक ले करा खिला रहे कि जिंदा रहे। सर एक डब्बे की कोशिश, हाँ एक डब्बे की 700 ml एक हफ्ते की डोज इसको देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो सारी मक्खियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम भोजन है नहीं बाहर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर। 700 ml टोटल सोल्यूशन, 1:1 350 ml पानी हो गया, 350 ml चूहे, ठीक है। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक बच्चे में 10 फ्रेम आते हैं, 10 पट्टियाँ हमने इसमें रख रखी है। तो आप देखोगे इसमें तो जितने भी आपको दिख रहा है ना, अभी ड्रोन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बनती है जब मक्खियों की संख्या बढ़ती है, यानी कि बसंत ऋतु में ड्रोन की संख्या ज़्यादा होती है। ये जो दिख रहे हैं सारे चमेरे हैं, अब जैसे ये शहद है, शहद इन्होंने पैक कर रखा था, अभी इसको जरूरत है तो शहद को देखो इसका कैप को उठा के अगर आप साथ में भी खिला रहे हो ना, जैसे ड्रिंक ये सारे कमेरे हैं जो दिख रहे हैं ना आपको, स्किन जिसके अब्डोमेन के ऊपर होता है, आपको जैसे अभी इग्नोर भी कर गई स्किन है, बाकी बड़ी है करनी चाहिए। अब आप ये मान लो कि आप एक साल उम्र बढ़ गई आपकी, हवा नहीं लग रही ना, तो देख लो कोई ना, आप पकड़ के देख लो, नहीं काटे थोड़ा ना आप देख रहे हो ना, ये जो चमक रहा है ये हमने चाशनी खिलाई थी उसको, इसने फिल कर दिया। होता क्या है कि मक्खी चाहे चाशनी हो या फूलों से रस यहाँ पे गट में खनिज का बना हुआ होता है, फिर वो वापस यहाँ पे आएगी, इसमें स्टोर करेगी, और इसमें जो नमी होती है, क्योंकि फूल के रस में 90% नमी होती है, उसको हवा से कहते हैं ना कि सहना निकलती है, उसको पंख है ना, वो पंख थोड़े ज्यादा लंबे बटन टूट गया, नहीं रानी नहीं, ये शायद खा रहे हैं, शायद वो खा रहे हैं। सर जी हम पकड़ सकते हैं जी, खबर हो इस तरह यो रियो बंद हो जाए, ये बंद है पकड़ है, यानी वो छड़ में नहीं, ये बंद है ना, ये तो सेल होता है इसका, पुराना सेल है, इसमें से रानी मक्खी निकली थी,
पुराना से है जी अंडे वो भाई इनको दिया था भाई साहब को आपके पास ना खाइए रहा ड्रोन का जो सेल होगा ना वो मिलेगा चावल का जो छोटा दाना नहीं होता उस आकार के अंडे पड़े हुए ऊपर से थोड़ा चमकने का होगा ना चमक रहा है ना और बिल्कुल पैन वो इसका अंडा है हाथ मत मारना हाथ मत मारना थोड़ा दूर रखो पैरों के नीचे वो मक्खी मत मारे देखो आप पहन रहे और ये जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है ना नीचे वो पराग है जो फूलों से मक्खियाँ जाती है जो काम करती है दो चीज लेके आती है फूल से एक फूलों का रस और एक पराग मेरे को दिखाना है एक बार ये थोड़ा सफेद सफेद दिखा नहीं रहा है ये लाल हुआ है ठीक है क्यों अगर तो अब देखो इतनी नेचर में ऐसा है ये बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा ठीक है कुछ नहीं कर रही ठीक है अरे मूवमेंट करेगा ना घबराने की जरूरत नहीं अगर ये मूवमेंट करता है ना तो स्टिंग करती है क्योंकि नेचर में देखो सब कुछ डिफेंस है ये ना हाफ है जोड़ दी ठीक है ये जो पॉइंट स्टिंग इसका मक्खी का डंक है अभी जिस मक्खी ने स्टिंग किया वो मक्खी भी जिंदा नहीं रहती वो मर जाती है स्टिंग इसकी बॉडी का पार्ट है मान लो हमारी बॉडी का पार्ट एक असेंशियल बॉडी का पार्ट अगर हटा ले एक मक्खी कितनी बार स्टिंग करेगी एक ही बार उनको दे दो वही रख ठीक है ना डब्बा में केमिकल को इंजेक्ट किया तब तो वो स्टिंग साथ में है जिंदा रहेगी मक्खी का भी बॉडी में रह गया मेरे कारण एक मक्खी